हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। ये है अन अकेडमी का अन अकेडमी यूपीएससी और सुबह के बज चुके हैं 7:08 और हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट मंथ एंड। आइए फटाफट से शुरू करते हैं अपने डेली करंट मंथ एंड के टॉपिक को। आज काफी सारे इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज और करंट अपडेट्स हमारे पास देखने को है और आज हम चर्चा करेंगे काफी सारे मुद्दों पर और तालिबान से रिलेटेड भी एक मुद्दा है और इस बार हम तालिबान से रिलेटेड कुछ नए मुद्दे पर डिस्कशन करने वाले हैं कि तालिबान से किस प्रकार से ड्रग मिनेस का खतरा भारत के ऊपर मंडरा सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा है ना, निपाह वायरस की भी चर्चा करेंगे जिसने केरला में कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। देश विदेश की कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। आइए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस में हम तालिबान और तालिबान की वजह से जो ड्रग मिनास हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। तो भैया मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि देखो, तालिबान और एक दूसरा देश है मैक्सिको। मैक्सिको का आपको लोकेशन पता है कि भैया जो सेंट्रल है ना अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका वाला जो रीजन है वहां पे आप देखेंगे तो ये ऊपर है ना नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ये कैनेडा, ये यूएसए है ना, और यूएसए के नीचे यहां पर क्या है हमारा मैक्सिको है ना। तो मैक्सिको और तालिबान है ना, मैक्सिको और अफगानिस्तान जो कि आज तालिबान के द्वारा कंट्रोल्ड है, इन दोनों ही जगहों पर जो ड्रग का प्रोडक्शन है, ड्रग का व्यापार है, ये बहुत बोलबाला है इसका है ना। इनफैक्ट मैक्सिको ड्रग कार्टेल बोलते हैं, मतलब ये पूरे का पूरा एक प्रकार का गिरोह है, ये पूरा का पूरा एक प्रकार का गुट है जो कि मैक्सिको में काफी इन्फ्लुएंस रखता है। अभी हाल ही में जब मैक्सिको के अंदर चुनाव हुए थे तो मैक्सिको ड्रग कार्टेल ने मतलब उस चुनाव में काफी ज्यादा प्रभावित किया था चुनाव को, काफी सारे पैसे खर्च किए थे है ना, काफी सारा मतलब लोगों पर प्रेशर क्रिएट किया गया था, अपोजिशन के मेंबर्स पर है ना काफी धमकाया गया, काफी सारे लोगों को मार दिया गया। तो ये जो मैक्सिको ड्रग कार्टेल है ये मैक्सिको के अंदर गवर्नमेंट पर भी अपना इन्फ्लुएंस रखता है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान आप देख ही रहे हैं कि सत्ता पर कब्जा कर चुका है। तो ये दोनों जो हैं मिलकर है ना भारत में ड्रग मिनास को प्रभावित कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में जो ड्रग का इशू है, ड्रग का प्रॉब्लम है, इसको बढ़ा सकते हैं, ड्रग एब्यूज को बढ़ा सकते हैं। तो तालिबान अफगानिस्तान में फ्यूल नारकोटिक ड्रग मार्केट इन इंडिया, ठीक है, एंड है ना इसको हेल्प किससे मिल सकता है? मैक्सिको के ड्रग कार्टल से। जो WHO है वो कहता है कि नारकोटिक्स क्या है, WHO के अनुसार नारकोटिक्स एनी सब्सटेंस दैट मॉडिफाइज कंज्यूमर्स परसेप्शन, जो कंज्यूमर का मतलब जो भी उस सब्सटेंस को कंज्यूम करे उसका परसेप्शन बदल दे, उसका बिहेवियर बदल दे, उसका कॉग्निशन बदल दे, कॉग्निटिव एक्टिविटी या उसका मूड और मोटर फंक्शनिंग बदल दे, इसी को बोलते हैं WHO की भाषा में हम नारकोटिक्स है ना। अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो 35 मिलियन पीपल ग्लोबली आर सफरिंग फ्रॉम ड्रग डिसऑर्डर है ना। तो ड्रग के प्रभाव से है ना जो अलग अलग मतलब बॉडी में डिसऑर्डर्स होते हैं है ना, ऐसे डिसऑर्डर से अभी पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो 35 मिलियन लोग जूझ रहे हैं। इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स है ना इज बिकमिंग अ वेरी सीरियस थ्रेट वर्ल्ड वाइड और भारत में भी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सर अफगानिस्तान की चर्चा कर रहे थे, अफगानिस्तान के साथ साथ मैक्सिको के ड्रग कार्टल की क्यों चर्चा कर रहे हैं? कहाँ अफगानिस्तान है ना और कहाँ मैक्सिको, कोई लेना देना ही नहीं जी, बहुत लेना देना है, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं और है ना हो सकता है आने वाले समय में ये दोनों मिलकर गुटबाजी करके भारत में और विश्व के बाकी के हिस्सों में है ना ड्रग का जो व्यापार है वो थोड़ा और पसार ले। भैया देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखोगे कि दोनों ही है ना, तालिबान और ये जो मैक्सिको के ड्रग कार्टल हैं, दोनों ही अपने फाइनेंसेस के लिए पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड करते हैं जी? ड्रग्स पर डिपेंड करते हैं। अफगानिस्तान के US का ऐसा है ना एनालिसिस है कि अफगानिस्तान का जो GDP है उसका लगभग लगभग 50% जो है वो ड्रग्स के बिजनेस से आता है ना। GDP का 50% जो है वो ओपियम वगैरह के प्रोडक्शन से ही निकल कर आता है। तो बोथ आर यूनाइटेड बाय द फैक्ट दैट दे फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग, पहली बात। दूसरी बात, एक्सट्रीम वायलेंस फॉर पॉलिटिकल पावर, ये दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा। जो वहाँ ड्रग कार्टल है मैक्सिको में वहाँ भी, और तालिबान में तो खैर आप देख ही रहे, मैक्सिको ड्रग कार्टल की भी कहानी मैंने आपको बताई, वोट के लिए है ना वो लोग अपोनेंट्स का है ना खेल खत्म कर रहे हैं, धमका रहे हैं, लोगों से वोट खरीद रहे हैं, पावर ऑफ गन इज डोमिनेटिंग ऑब्वियसली। तो ये चीज आपको दोनों जगह देखने को मिल रही है, चोर चोर मौसेरे भाई हम कहते ही हैं, ठीक। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि खुलेआम कर रहे हैं जी। ट्रांस नेशनल नेटवर्क है दोनों का ही,
है ना, बोथ हैव ट्रांसनेशनल प्रेजेंस एज ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और 2019 में है ना, 2019 में इसको यूएस कांग्रेस ने भी हाईलाइट किया था, द एक्सपर्ट ग्रुप हैज पॉइंटेड आउट डेंजरस सिमिलैरिटीज दैट हैव ओनली इंक्रीज्ड सिंस 2009 है ना। तो मैक्सिको ड्रग कार्टेल और तालिबान के बीच में डेंजरस सिमिलैरिटीज यूएस के एक्सपर्ट ग्रुप ने है ना हाईलाइट किया था, और 2009 के बाद इनकी सिमिलैरिटीज और ज्यादा बढ़ी है। अब देखिए, ये तो बात हो गई मैक्सिको की और तालिबान की। अब हम बोलेंगे भैया तालिबान क्या आज शुरू कर रहा है ड्रग्स का व्यापार, है ना, कोई नया खतरा है? नहीं जी, ये वाला जो रीजन है तालिबान है ना, मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान और ईरान, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान और ईरान, ये बहुत पुराना है ना, बहुत पुराना ड्रग बाजी का अड्डा है, और इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्रीसेंट। तो आप देखेंगे हमारा जो लोकेशन है वो ऐसे जगह पर हम फंसे हुए हैं, हमारी एक तरफ है गोल्डन क्रीसेंट और दूसरी तरफ है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल यानी कि लाओस म्यांमार और थाईलैंड है ना, इनमें से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है लाओस म्यांमार के अंदर, और इनमें से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है जी। तो म्यांमार के साथ हमारा लैंड बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ हमारा डायरेक्ट लैंड बॉर्डर नहीं है पर पाकिस्तान के साथ है, और जो ना करे अफगानिस्तान वो करे पाकिस्तान, है ना, क्योंकि पाकिस्तान मेहरबान है भैया, अभी सरकार बनने की बात हो रही है तो ISI चीफ जो है वो है ना अफगानिस्तान के काबुल में डेरा डाल के बैठे हुए हैं, है ना, पाकिस्तान सॉरी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो भी वहां गए। तो भैया पूरा का पूरा मामला चल रहा है। अब ये गोल्डन क्रिसेंट के हम बिल्कुल पास में है, मतलब ड्रग्स का खतरा हमेशा से हमारे यहाँ है, पंजाब में होता भी है, आप देखिए पंजाब में ड्रग की क्या सिचुएशन। अब कह रहे हैं कि भैया तालिबान के आने से ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो गोल्डन क्रिसेंट है, दिस इज प्रिंसिपल ग्लोबल साइट, मतलब ये पूरे वैश्विक स्तर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ओपियम के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में। और इससे जम्मू कश्मीर पंजाब जो सीमावर्ती इलाके हैं हमारे, वेस्टर्न बॉर्डर के जो इलाके जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान गुजरात है ना, इन सबको ज्यादा खतरा है, क्योंकि इन सब का पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ क्या है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, पोटेंशियल मार्केट भी है, और सप्लाई चेन कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है हीरोइन वगैरह के। तो ये चिंता है भैया हमारी इधर। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो गोल्डन क्रिसेंट है जिसका है ना म्यांमार में सबसे ज्यादा बोलबाला देखने को मिलता है आपको, ठीक है, तो दिस इज सेकंड स्पॉट आफ्टर अफगानिस्तान इन इलिसिट सप्लाई ऑफ मॉर्फिन एंड हीरोइन, है ना, मॉर्फिन और हीरोइन के सप्लाई के बारे में अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के बाद दूसरे नंबर पे आता है। म्यांमार लगभग 80% है ना, पूरी दुनिया में जितना हीरोइन का प्रोडक्शन होता है उसका 80% जो है वो म्यांमार में होता है। इससे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं है ना वो प्रभावित होते हैं। दोनों के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अगर आप जो हम गोल्डन क्रीसेंट की बात कर रहे हैं, ये वाला जो हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान वाला, तो ये एक ट्रेडिशनल ड्रग ट्रांसपोर्टेशन रूल रहा है चाइनीज कॉलोनियल एरा के दौरान भी, इसकी वजह से ओपियम वॉर्स वगैरह भी हुए थे, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स हैं है ना, दे हैव रिलेशन एंड रेसिडेंस ऑन बोथ द साइड्स, म्यांमार है ना जी, तो इस तरफ हमारा नॉर्थ ईस्ट, इस तरफ म्यांमार। अब यहाँ जो ट्राइबल कम्युनिटीज रह रहे हैं, ठीक है, एक का नानी घर यहाँ है तो दादी घर यहाँ है, एक के मामा यहाँ रहते हैं तो मामी यहाँ रहती है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन जो है ये इनका रेगुलरली चलता रहता है, तो यहाँ पर फिर ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है बॉस। चैलेंजेस क्या है भैया, तो वेस्टर्न फ्रंट में ये चैलेंज है कि थार डेजर्ट है, इतना वास्ट बैरन है ना, तो कहां से कोई क्या भी दे जाएगा कुछ पता भी नहीं लगेगा। हालांकि है ना सिर्फ थार डेजर्ट नहीं है, पंजाब वाला इलाका भी है, वहां पर भी काफी ज्यादा होता ही है। तो इट इज पुअरली गार्डेड एंड हैज लो लेवल ऑफ सिक्योरिटी, एक तो बात ये हो गई भैया। दूसरी बात, यहाँ अगर आप म्यांमार की साइड देखें तो डेंसली फॉरेस्ट कवर्ड है, काफी है ना टफ ज्योग्राफिकल टेरेन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, गरीबी है, ऐसे में लोग क्या करें, कुछ और नहीं तो फिर ड्रग्स के माध्यम से ही दो पैसे कमा लेते हैं, लोगों ने यही रास्ता चुन लिया है ना। अब ये जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति कितनी खराब है ये समझना पड़ेगा हमें, है ना, ये परिस्थिति जो है, ये सिचुएशन जो है ये कितनी खराब है ये समझना पड़ेगा हमें। आइए समझने की कोशिश करते हैं। बोले भैया अफगानिस्तान है ना, मैक्सिको, म्यांमार, ये मिलकर लगभग 95% ट्रेड है ना, जो ड्रग्स का ट्रेड है उसका 95% सिर्फ तीन देश मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं, अफगानिस्तान, मैक्सिको और म्यांमार। लगभग लगभग 95% वर्ल्ड का ओपियम है ना, ओपियम मतलब क्या होता है जी, खसखस, जानते हैं आप खसखस,
आपने वो एक मिठाई खाई होगी, ईस्ट इंडिया में मिलता है रस कदम, उस पर लगा हुआ होता है, खसखस सब्जी में भी यूज करते हैं हम लोग काफी सारे, वो पर्टिकुलरली बंगाली क्यूजिन होता है आलू पोस्तो, है ना, तो खसखस इज ऑल्सो नोन एज पोस्तो, राइट। तो जो खसखस है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओपियम पॉपीज। तो ओपियम पॉपीज का 95% प्रोडक्शन यही होता है जी, है ना, तो पूरा का पूरा इलीगल प्रोडक्शन, ट्रैफिकिंग, हीरोइन का सब कुछ यही हो रहा है। यूएस कांग्रेस के एक्सपर्ट का कहना है कि 2009 में दे हैड एस्टिमेटेड दैट 50% ऑफ अफगानिस्तान्स जीडीपी दैट ईयर, है ना, स्टेम्ड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ इलीगल ड्रग ट्रेड, है ना, 2009 के अंदर अफगानिस्तान की जीडीपी का 50% जो है वो गैर कानूनी या अवैध ड्रग ट्रेड से आया हुआ हिस्सा था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा स्केल पर यहां पर यह काम हो रहा है, ठीक है। तो स्टेट ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट है दोनों ही जगहों पर। अब देखो यहां अफगानिस्तान के अंदर तो सीधा सीधा तालिबान का कब्जा ही है और तालिबान ये काम कर रहा है। दूसरी तरफ आप वहां देखेंगे अगर मैक्सिको में, तो वहां पे भी मैंने आपको बताया कि रूलिंग क्लास जो है, पॉलिटिकल क्लास है, उस पर काफी इन्फ्लुएंस है इन ग्रुप्स का, है ना, तो मौजा ही मौजा हो रही है इनकी शाम सवेरे, ठीक। एम्बिगुअस एटीट्यूड ऑफ तालिबान, तो आप देखेंगे कंज्यूम जो शरिया लॉ है वहां पे लगा हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंजम्पशन है ना, ओपियम का कंजम्पशन है, उस पर तो बैन लगा दिया है, पर कंजम्पशन पर बैन है ना, उगाने पर थोड़ी बैन है, बेचने पर थोड़ी बैन है, तो ग्रो कर रहे हैं, बेच रहे हैं, है ना, दुनिया की आदतें खराब कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट रिलीज अर्ली इन 2021, मोस्ट ओपियम प्रोडक्शन इन अफगानिस्तान वॉज टेकिंग प्लेस इन रीजन्स ऑलरेडी अंडर तालिबान कंट्रोल और एटलीस्ट देयर इन्फ्लुएंस। अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल देखेंगे तो लगभग लगभग सवा गुना, है ना, अफीम का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ भी गया है, ओपियम का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ भी गया है। ये जाहिर सी है ना एक रिफ्लेक्शन दे रहा है कि तालिबान का जहां पर कंट्रोल होगा वहां पर, है ना, आराम से प्रोडक्शन भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, सेल भी होगा, सब कुछ धड़ल्ले से चलेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग एरिया अंडर पॉपी कल्टिवेशन, है ना, अफीम की जो खेती हो रही है उसका एरिया बढ़ता जा रहा है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है बॉस, ठीक है। टोटल एरिया अंडर ओपियम पॉपी कल्टीवेशन इन अफगानिस्तान हैड इंक्रीज बाय 1.25 टाइम्स, है ना, तो एरिया बढ़ता जा रहा है बॉस, ऐसे आप सोच लो एक साल में 1.25 बढ़ गया, फिर और बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो ये बात है बॉस। चांसेस ऑफ कोलैबोरेशन की बात करें तो, है ना, सिनालोआ कार्टेल ऑफ मैक्सिको इज करंटली द फास्टेस्ट ग्रोइंग वन एंड कंट्रोल्स लैंड वेयर पॉपी कल्टीवेशन इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, ठीक है, तो इट इज दस अ पोटेंशियल राइवल ऑफ द तालिबान, हो सकता है आने वाले दिनों में राइवलरी छोड़ के दोनों मिलकर, है ना, व्यापार करने लगे। बट द फैक्ट दैट कार्टेल एंड द इस्लामिस्ट ग्रुप, है ना, सर्व डिफरेंट मार्केट्स, दैट मीन्स दे कुड एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, है ना, दोनों के क्लाइंट अलग अलग है, मार्केट अलग अलग है, तो हो सकता है कि कॉम्पिटिशन के बजाय दोनों कोऑर्डिनेट करें, बोले भैया ये माल मेरे पास नहीं तो वो तेरे पास, तेरे पास नहीं तो मेरे पास, है ना, हम दोनों मिलके राज करेंगे भाई साहब, तो ये ऐसा डर जताया जा रहा है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या इंटरनेशनल लेवल पे ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के रोकथाम के लिए कोई नियम कानून नहीं है, कोई एग्रीमेंट, कोई ट्रीटी नहीं है, है ना जी, यूएन कन्वेंशन और नारकोटिक ड्रग 1961, यूएन कन्वेंशन ऑन, है ना, साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस 1971, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस 1988, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट, है ना, ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, 2000। तो ये सारे ऑलरेडी हमारे पास प्रोविजंस हैं, ठीक है, ये सारे प्रोविजंस ऑलरेडी हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट सवाल ये उठ सकता है कि भैया आखिर अगर, है ना, ये इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह होता है तो इसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। तो निगेटिव इम्पैक्ट में आप देखिए ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है इकोनॉमी की वो खराब हो जाएगी, क्योंकि कंट्री का, है ना, ह्यूमन रिसोर्स खराब हो रहा है, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, विल रिड्यूस, क्यों, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है देश का वो खराब हो रहा है सर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वुमेन को, नारी को ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, है ना, कई रीजन है उसके, कई रीजन क्या है भैया, है ना, जो मेल मेंबर्स हैं वो फिर ड्रग्स का नशा करके आएंगे, वो वुमेन के खिलाफ वायलेशन, है ना, वायलेंस करेंगे, जो पैसे वुमेन के पास होंगे उनको भी छीन लेंगे और ड्रग्स करने चले जाएंगे, जब उनके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो वुमेन ने जो सेव कर रखा हो वो भी पैसे ले लेंगे, तो वुमेन का, है ना, एम्पावरमेंट तो नहीं है, और साथ ही साथ दुख उसके और बढ़ गए, ठीक है, उनके साथ इल ट्रीटमेंट करेंगे, मारेंगे, है ना, ये सारी चीजें करेंगे, तो वुमेन की स्थिति जो है वो ड्रग की वजह से खराब हो जाएगी, जो बच्चे हैं, है ना, उनका भविष्य जो है वो अंधेरा में चला जाएगा,
तो चिल्ड्रन है ना, ऐसे घरों में जो चिल्ड्रन होंगे, जो बच्चे होंगे, बालक होंगे, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, कई कम उम्र में भी फिर ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे निगेटिव पॉइंट्स हैं, ये सारा ड्रग मिनास के बारे में था। आइए फटाफट से मैं लिए चलता हूं आपको सोशल इश्यूज में। सोशल इश्यूज में हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल चैलेंज पे। न्यूट्रिशनल चैलेंज की जो मतलब ये आपके न्यूट्रिशन स्टेटस की जो भारत की परिस्थिति बन रही है, भारत का जो प्रेजेंट डेटा आ रहा है वो काफी निराशजनक है, काफी चिंताजनक है। यूनिसेफ रिपोर्ट की माने तो लगभग 12 लाख बच्चे हैं पूरी दुनिया में जो कि मिडिल इनकम कंट्रीज में है ना, मिडिल इनकम कंट्रीज में और लो इनकम कंट्रीज में जिनकी मौत हो सकती है। ठीक है, इंडिकेटेड नियरली 12 लाख चिल्ड्रन कुड डाई इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, है ना, अगले 6 महीने में, साल भी नहीं, अगले 6 महीने में 12 लाख बच्चे है ना का डेथ हो सकता है। क्यों हो सकता है जी? क्योंकि रूटीन हेल्थ सर्विसेज में डिक्रीज हुआ है। रूटीन हेल्थ सर्विस में क्यों डिक्रीज हुआ है? ज्यादातर हमने अपने सारे रिसोर्सेज डाइवर्ट कर दिए हैं कोविड की तरफ। और वेस्टिंग में है ना, चाइल्ड वेस्टिंग जो होता है, मैं आपको बता दूंगा अभी वेस्टिंग क्या है, स्टंटिंग क्या है, तो वेस्टिंग की वजह से है ना निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। अबाउट 3 लाख सच चिल्ड्रन वुड है ना बी फ्रॉम इंडिया। ठीक है जी, तो जो 12 लाख बच्चे हम अनुमान लगा रहे हैं कि भैया आने वाले कुछ महीनों में डेथ हो जाएगी, उनमें से 3 लाख बच्चे जो है वो सिर्फ भारत के होंगे, मतलब भारत के लिए स्थिति जो है वो चिंताजनक है। एक सर्वे है हमारे यहाँ है ना, काफी पुराना सर्वे, नेशनल फूड हेल्थ सर्वे NFHS, ठीक है, तो दिस इंडिकेटेड दैट एवर सिंस द ऑनसेट ऑफ पेंडेमिक एक्यूट अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना इन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 हैज वर्शन, है ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट आ गया है कोविड की वजह से, जाहिर सी बात है, ये समझने वाली बात है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा 37.9% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड, है ना, भारत में जो अगर आप डाटा देखेंगे तो लगभग 38% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं। स्टंटेड मतलब है ना हाइट कम रह गई, है ना, हाइट कम रहेगी एज के अनुसार, है ना, वो हाइट नहीं आई। ठीक, तो 38% बच्चे स्टंटेड हैं और लगभग 21% बच्चे वेस्टेड हैं। वेस्टेड मतलब हाइट के अनुसार बॉडी नहीं आई ऐसे करके हैं और पेट निकला हुआ है। ठीक है, बाकी पूरी बॉडी थिन है और पेट निकला हुआ है, तो वो आप बोलेंगे वेस्टिंग। दोनों ही माल न्यूट्रिशन का प्रकार है भैया, है ना, दिस इज मच हायर देन इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, बाकी के डेवलपिंग कंट्रीज में इतनी ज्यादा बुरी स्थिति नहीं है जितनी हमारे यहाँ पे है, है ना, जितनी इंडिया में है, कंफर्टेबल सर। ये NFHS 4 जो है ना, दैट सेड अप्रोक्सीमेटली 9% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज इन इंडिया एक्सपीरियंस डायरियल डिजीजेस, है ना, बोले कि लगभग 9% बच्चे जो हैं 5 साल की कम उम्र वाले बच्चे, उनको डायरिया से संबंधित बीमारी है। अच्छा, डायरिया से संबंधित बीमारी है, मतलब फिर सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, वॉश इनिशिएटिव, है ना, सैनिटेशन का ध्यान रखा जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट इज सेड दैट 90% ऑफ ऑल है ना मेल एंड अंडर न्यूट्रिशन कैन बी ट्रेस्ड टू डायरिया। ठीक है भैया, समझ गए क्या कह रहे हैं, कि लगभग 50% ऑफ माल एंड अंडर न्यूट्रिशन कैन बी ट्रेस्ड टू डायरिया एंड है ना इंटेस्टिनल वर्म, है ना, जो आप बोलते हैं ना पेट में कीड़ा हो गया है, इंटेस्टिनल वर्म इन्फेक्शन। जाहिर सी बात है कि इसका सीधा सीधा है ना उपाय क्या है, कि भैया हम वॉश इनिशिएटिव को अच्छे से इंप्लीमेंट करें, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, तो वॉश इनिशिएटिव को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे तो सब लोग स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे बॉस। ठीक, WHO has estimated that access to proper water, hygiene and sanitation can prevent the death of at least 8,60,000 students, है ना, तो 8,60,000 students के death को आप रोक सकते हैं अगर आपने अपना काम सही से किया जी। NFHS की बात की थी हमने, National Family Health Survey, ठीक है, तो ये लार्ज स्केल मल्टी राउंड है ना, लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है, कंडक्टेड बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट और नेशनल इंफॉर्मेशन दोनों की बात होती है। NFHS सर्वे प्रोवाइड स्टेट एंड नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर इंडिया, और जो अलग अलग हेल्थ पैरामीटर्स है उनके बेसिस पे, फर्टिलिटी, मोर्टैलिटी है ना, प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग, उनके बेसिस पे बेसिकली मूल्यांकन करती है NFHS में, है ना। अब सवाल ये उठता है कि हु विल फंड फॉर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, है ना, इसके पैसे कौन देता है? तो बहुत बड़ा स्तर का सर्वे होता है, तो इकलौते मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दे दे, ऐसा नहीं है। तो कौन कौन से एजेंसीज इन्वॉल्व है यहाँ पे? यहाँ पे इन्वॉल्व है USAID, यहाँ पे इन्वॉल्व है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यहाँ है
डिपार्टमेंटर फॉर है ना, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, फिर है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूएन पॉपुलेशन फंड एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लास्ट में नाम आता है इसका जी। तो इन सभी के सपोर्ट से, इन सभी के फाइनेंसेस से मिलकर है ना गुरुद्वारा जी चलते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ठीक, गुरुद्वारा जी नहीं, सर्वे जी चलते हैं। चलिए सर्वे जी आ जाओ, यहाँ तक की बात कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए फटाफट से क्या अपडेट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपडेट है निपा वायरस से संबंधित। तो एक 12 साल के बच्चे का है ना केरला के अंदर डेथ हो गया, उसके बाद उसके रिलेटिव्स जो हैं है ना उन लोगों को अब नजर में रखा जा रहा है। लगभग 250 के आसपास है ना लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया गया है। अब आप बोलेंगे सर निपाह वायरस आया है ना, एक बच्चा मरा, तो इतनी बड़ी न्यूज क्यों बन रही है? द हिंदू ने फ्रंट पेज पे आज बिल्कुल है ना प्रिंट किया है, बड़े से अक्षरों में लिखा है। तो भैया इसीलिए क्योंकि निपाह का है ना जो सक्सेस रेट है, मतलब जो डेथ रेट है निपाह की वजह से, वो 70% है ना, मतलब 70% केसेस में आदमी है ना हरिओम बोल जाता है, समझ गए हो तुम? तो 12 साल के बच्चे की डेथ हो गई, आपको पता होना चाहिए। निपाह वायरस जो है वो एक जूनोटिक वायरस है, जूनोटिक से संबंध है कि वो है ना एनिमल से है ना एनिमल से ह्यूमन में आता हो। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह कि निपाह ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, यानी इस पर अभी किसी भी प्रकार की क्लैरिटी नहीं है। फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ द निपाह वायरस अमंग ह्यूमंस वाज रिपोर्टेड फ्रॉम मलेशिया, है ना, सबसे पहला कब हुआ निपाह वायरस आउटब्रेक? मलेशिया में हुआ 1998 में, और दूसरा सिंगापुर में 1999 में। होस्ट रिजर्वर ऑफ निपाह है ना, मतलब ओरिजिनली कहाँ पे था ये? ठीक है, तो एनिमल होस्ट रिजर्वर फॉर दिस वायरस इज नोन टू बी है ना द फ्रूट बैट। ठीक है, तो फ्रूट बैट जो है वो है ना यही कैरी कर रहा था। फ्रूट बैट से फिर पिग्स वगैरह में फैला, डॉग्स में, कैट्स में, है ना, और फिर उनके माध्यम से जब आप कुछ इनके कांटेक्ट में आते हैं या कुछ ऐसा फूड खा रहे होते हैं जिनमें इन एनिमल का लार्वा है ना, या किसी प्रकार से आप उनके यूरिन के कांटेक्ट में आते हैं, है ना, तो फिर आप इन्फेक्ट हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीपल टू पीपल है ना, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ट्रांसमिट होना अभी तक निपाह का प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है जी, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो है अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। सिम्टम्स क्या है निपाह वायरस इंजेक्शन के? वही सामान्य फ्लू का जैसे होता है, फीवर होगा, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे, है ना। जो डेथ रेट है वो मैंने आपको बताया 70% है। ट्रीटमेंट निपाह का कुछ है नहीं, कोई वैक्सीन अभी है नहीं। अभी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ओनली अवेलेबल ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव कफ केयर, है ना। रिबावरीन एंड एंटीवायरल ड्रग वॉज यूज टू ट्रीट है ना एंसेफेलाइटिस इन 2018 में एंसेफेलाइटिस ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया गया है। ठीक है सर, कंफर्टेबल है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, पॉलिटी में, है ना, पॉलिटी में चलते हैं फटाफट से। तो पॉलिटी में क्या अपडेट है सर हमारे लिए? पॉलिटी में अपडेट है हमारे लिए कर्बी एग्रीमेंट, है ना। कर्बी इज बेसिकली अ प्लेस इन आसाम, नॉर्थ ईस्ट में, है ना, आसाम। तो कर्बी एग्रीमेंट भारत सरकार ने साइन कर लिया है, और इसके लिए है ना मोदी जी के लोग मोदी जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है साइंड अ ट्राइपार्टाइट कर्बी है ना एंगलोंग एग्रीमेंट विथ 5 इंसर्जेंट ग्रुप्स, है ना, 5 इंसर्जेंट ग्रुप, यानी कि जो उग्रवाद फैला रहे थे, ऐसे 5 ग्रुपों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर्बी एग्रीमेंट साइन कर लिया है टू पुट एन एंड टू ईयर्स ऑफ वायलेंस एंड ब्रिंग पीस, है ना, जो सालों दर सालों से वायलेंस चला रहा है उसको खत्म करना है और पीस लेकर आना है आसाम के राज्य में। कर्बी एंगलोंग जो है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, ये ध्यान रखिएगा। कर्बी एंगलोंग इज एरिया वाइज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय कर्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल अकॉर्डिंग टू द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, समझ गए। तो डिस्ट्रिक्ट कंप्राइजेस वेरियस ट्राइबल एंड एथनिक ग्रुप्स इंक्लूडिंग है ना कुकीज हैं, डिमासाज हैं, गारोज हैं, रेंगमा नागाज हैं। ठीक है, तो ये सारी लोग हैं यहाँ पर। ये जो डाइवर्सिटी है दिस विल ऑल्सो लीड टू डिफरेंट आउटफिट एंड फ्यूल्ड एंड इंसर्जेंसी। ठीक है बॉस, दिस एग्रीमेंट होप्स टू सेट असाइड द इंसर्जेंसी, उग्रवाद को खत्म कर देगा बेसिकली। तो उग्रवादी के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ साइन किया गया है, उग्रवाद को खत्म करना है क्षेत्र से। की फीचर्स क्या क्या हैं कर्बी एंगलोंग एग्रीमेंट के, आइए फटाफट से ये भी देख लेते हैं। व्हाट आर द की फीचर्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स। अगर किसी ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना है आपको, है ना, लाइक और शेयर चलता रहना चाहिए, लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए भैया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? समझ पा रहे हैं ना, लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, करते रहिए। चलिए सर,
कंफर्टेबल कंफर्टेबल आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं जी। चलिए, की फीचर्स क्या क्या है? बोले इस एग्रीमेंट के तहत, कर्बी एंगलोंग एग्रीमेंट के तहत 5 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ने अपना आपको कानून के हवाले कर दिया सर, है ना। लेड डाउन आर्म्स एंड मोर देन 1,000 ऑफ देयर आर्म्ड कैडर्स हैव गिवन अप वायलेंस एंड ज्वाइन द मेन स्ट्रीम इन फेबर 2021। तो कवायद जो है, कोशिश जो है, वो लगातार चल रही है। डेवलपमेंट पैकेज भी दिया जा रहा है इस रीजन में, क्योंकि हम लोगों के लैंड वगैरह लेंगे तो डेवलपमेंट पैकेज दे रहे हैं। ग्रेटर ऑटोनॉमी होगी, है ना, कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। कर्बी वेलफेयर काउंसिल बनाया जाएगा, फाइनेंस की भी व्यवस्था होगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं बॉस, ठीक है, कंफर्टेबल है। अब चलते हैं हम एनवायरमेंट इकोलॉजी की तरफ। एनवायरमेंट इकोलॉजी में ये अपडेट है कि 900 नए स्पीशीज, है ना, सॉरी 900 स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी कि विलुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, किसने कहा? IUCN ने कहा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसेंटली रिलीज्ड अ रेड लिस्ट, है ना, रिपोर्टिंग ऑफिशियल एक्सटिंक्शन ऑफ 902 स्पीशीज। ठीक है, और इसको रिलीज कहाँ किया गया? वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, है ना, फ्रांस में इसको रिवील किया गया। की फाइंडिंग्स क्या क्या है रेड लिस्ट के बारे में? तो मेंशन दैट 902 स्पीशीज आर ऑफिशियली एक्सटिंक्ट, है ना, तो बहुत चिंताजनक बात है भैया। रेड लिस्ट ऑल्सो शोज कि 30% ऑफ स्पीशीज, है ना, फेस थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, है ना, 30% प्रजातियां जो है वो एक्सटेंशन का प्रेशर, है ना, झेल रही हैं। भैया समझ गए यहाँ तक की कहानी? यहाँ पे एक स्पीशीज की, एक जिस ऑर्गेनिज्म की बात हुई वो है टूना फिश, है ना, आपने नाम पहले भी सुना होगा। तो एटलांटिक ब्लू फिन टूना, है ना, एटलांटिक ब्लू फिन पीना, दिस इज बिकॉज कि एटलांटिक ब्लू फिन टूना जो है हैड इंक्रीज बाय एटलीस्ट 22% एंड हैड डिक्लाइंड मोर देन हाफ इन गल्फ ऑफ मैक्सिको ओवर लास्ट 4 डेकेड्स। तो एक बार संख्या बढ़ी, है ना, फिर घटी, ऐसा चल रहा है यहाँ पे। सदन, है ना, ब्लूफिन टूना मूव्ड फ्रॉम क्रिटिकली एंडेंजर्ड टू एंडेंजर्ड। तो यहाँ पे इस प्रकार से काफी सारे टूना के वेराइटीज हैं, पैसिफिक ब्लू फूड टूना, ये सब आप एक बार अपने से देख लीजिएगा। कंफर्टेबल है सर? कंफर्टेबल है, चलिए कंफर्टेबल है तो फिर आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि बच चुके हैं 8, है ना, 8 बजे हमें रुकना जरूरी है, क्योंकि दूसरे टीचर की भी क्लास होती है, तो है ना, तो हम लोग 8 बजे रुक जाते हैं। बाकी के जो आज के करंट अफेयर्स रह गए उसको हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। बाकी अपना आज का जो शाम का शेड्यूल है, 7 PM पे हम लोग 1 ईयर करंट करते हैं वो तो करेंगे ही, 10 PM पे जो करते हैं वो करेंगे ही। आज 12 बजे हम एक स्पेशल सेशन ले रहे हैं यूट्यूब पर ही, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 12 बजे वाले सेशन में हम हिस्ट्री के MCQs करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री के MCQs करेंगे, तो आप 12 बजे वाले सेशन को यूट्यूब पर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है बॉस, कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य सी बात है। चलिए सर, सारी बातें हो गई आपकी, आज का जो करंट अफेयर्स और बच रहा है वो हम कल के क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है, आ जाओ। स्पेशल क्लास में आपको जरूर आना है ना। स्पेशल क्लास का टाइमिंग जो है वो 10 PM है हमारे, और स्पेशल क्लास के लिए मैंने 10 PM पे स्पेशल क्लास होता है डेली, है ना, इसमें क्विज भी अगर आता है, बड़ा मजा आएगा आपको, इसको जरूर से आपको अटेंड करना है। स्पेशल क्लास के लिए और यूट्यूब सेशन के लिए मैंने एक DN लाइव लाइब्रेरी क्रिएट करवा दिया है, वहां पे जितने सेशन हो गए उनका भी लिंक मिल जाएगा आपको, और अपकमिंग सेशन का भी लिंक मिल जाएगा। तो गो एंड यूज DN लाइव लाइब्रेरी सो दैट आपके लिए हेल्पफुल हो। UPSC कॉम्बैट हर वीकेंड पे होने वाला टेस्ट है, इसको आप जरूर दीजिएगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज चाहिए तो अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन कर सकते हैं जी। बेसिक फाउंडेशन कैपसूल सब कुछ मिलेगा। GS ऑप्शनल CSAT, आप सब कुछ एक एडुकेटर के, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे टॉप एडुकेटर्स के साथ कर रहे होंगे। सारे के सारे सेशन लाइव हैं, इंटरेक्टिव हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कोड आपको यही वाला यूज करना है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्जामिनेशन के सारे लेवल पे मेरा सपोर्ट, मेरा गाइडेंस रहेगा। अभी मल्टीपल ऑफर चल रहे हैं, 25% प्लस 10% प्लस 10% का डिस्काउंट। 45,000 1 ईयर का फी है, 71 2 ईयर का फी है, और जल्दी ही ये प्राइसेस चेंज होने वाले हैं, ठीक है। आपको GS के अंदर 80 टेस्ट फ्री में मिल रहे हैं, 50 प्रीलिम्स के, 30 मेंस के, और 21 टेस्ट ऑप्शनल के भी मिल रहे हैं। 5-in-1 ऑफर है, अनअकैडमी की तरफ से नोट्स मिल रहा है ना, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर मिल रहा है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं होते तो 1 साल हम देंगे आपको अपनी तरफ से। तो बेसिकली यू हैव एवरीथिंग, प्लस या आइकोनिक कुछ भी ले लीजिए, जितनी चीज़ें बताई वो सब प्लस में अवेलेबल है। आइकोनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस अलग मिल जाता है, टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है, स्टडी प्लानर और स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ठीक है बॉस, है ना।
तो दोनों की प्राइसेस आप देख लीजिए, आइकोनिक की थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि फैसिलिटी थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, एक बैच हमने 1 तारीख से शुरू किया था, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ज्वाइन कीजिए, 1 हफ्ते आगे रहिए, है ना, ये सॉलिड प्लान है बिल्कुल, आपको यही वाला बैच ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, बाकी वैसे कल से भी शुरू हो रहा है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, सेशन का PDF वहाँ पे मिल जाएगा, जो करंट अफेयर्स बच गया वो कल की क्लास में कवर करेंगे। टिल देन हैप्पी स्टडिंग एंड लेट्स क्रैक इट।